कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की अहलिया सैयदा खुशबख्त सरफराज ने शोहर को बदतमीज़ कहने वालों को करारा जवाब दे दिया। सरफराज अहमद को अहलिया से घर में क्रिकेट के मौजू पर बात ना करने पर ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा था। ऐसे में उनकी अहलिया ने तमाम ट्रोलर्स को अपने काम से काम रखने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम सोशल मीडिया पेजेस जो सरफराज अहमद को बदतमीज़ कह रहे हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये वही सरफराज है जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र और जिसने हमें शानदार दिन दिखाए हैं। खुशबख्त सरफराज ने सरफराज अहमद को मुल्क के तीसरे बड़े सिविल अवार्ड यानी सितारा इम्तियाज़ मिलने के तकरीब से अपनी तस्वीर जारी की। उन्होंने ये भी लिखा कि और भी बहुत से ऐसे लम्हात हैं जिनका मैं जिक्र कर सकती हूँ, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। ख्याल रहे कि हाल ही में एक इंटरव्यू में सरफराज ने इंकशाफ किया था कि वो और उनकी अहलिया क्रिकेट के मौजू पर बात नहीं करते। सरफराज अहमद का बताना था कि 2013 में जब उनकी बात पक्की हुई थी तो वो क्रिकेट टीम के हमरा टेस्ट मैच खेलने जनूबी अफ्रीका गए और वहाँ वो कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सके। सरफराज ने बताया कि वापसी पर जब मेरी खुशबख्त से बात हुई तो उसने मुझे कहा कि आप अपनी बैटिंग पर थोड़ा ध्यान दें, जिस पर मैंने जवाब दिया कि आज तो तुमने ये बोल दिया, आज के बाद नहीं बोलना और अपने काम से काम रखना। साबिक कप्तान के इस वाक़े पर उन्हें सोशल मीडिया ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में उनके दफा में अहलिया का बयान सामने आया।